हाय फ्रेंड्स, ले ये देखो, कुट 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 कुट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आज मैं कैप वैप पहन के बिल्कुल ऐसी हुई हूँ। सोच रहे होंगे वाह, ये सब बहुत ठंडा लग रहा है यार। पता है आज कल रात से ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है एकदम से। मतलब ऐसा लग रहा है कि ठंडा, जैसे ना पहाड़ों में ठंडा होता है हमारे वहाँ, वैसा ठंडा लग रहा है आज। तो इस वजह से मैंने टोपी वोपी पहन रखी है। तो और बाहर देख सकते हैं आप, यहाँ से दिख रहा है इस टाइप से। अभी धूप निकली नहीं है और चलते हैं ऊपर, यहाँ पर काला काला आ रहा है, अभी लाइट भी नहीं आई है। तो चलते हैं छत पर। सुबह सवेरे का टाइम था और काम मेरा सारा हो चुका था, मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं साथ साथ ही, तो इस वजह से ब्लॉगिंग भी हो जाएगी करके। और चलते हैं अब छत पे और आप लोगों को दिखाती हूँ आज हो कैसा रखा है करके, ठीक है फ्रेंड्स। जब मैं घर गई थी ना, इस टाइप के हो गए थे ये सारे के सारे, सूख गए थे। तो अभी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कलियाँ निकलने लग गई इनमें। और यहाँ पे मैंने ऐसे लाई के पेड़ डाल दाने डाल रखे, तो हो रखे हैं उसमें, पालक भी हो रखा है एक पेड़। तो अब चलते हैं हम छत पे, ठीक है। ये देखिए, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, देखना इतना बड़ा दाना हो रहा ना उसका। ये देखो, यहाँ के अमरूद बड़े फेमस है यार सच में, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। वो अमरूद का दाना दो लगे हैं, एक आगे से दिख रहा है बस, पीछे वाला नहीं दिख रहा है। तो अब चलते हैं छत पे। बच्चे के कपड़े तो सूखने से रहे। और उधर देखिए आप, ये पीला वाला फूल जो खिला हुआ है ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है ये भी। और जो रेड कलर का फूल खिलता था ना, उसमें नहीं है अब फूल, अब फिर से आने के वो होगा ना, बाद में आएंगे। और मौसम देख सकते हैं आप, इस तरीके का हो रखा है। और कल मैंने बैग धोया और नीचे ले जाना भूल गई थी बेचारा फिर से गीला हो गया। और इधर आप देख सकते हैं ऐसा मौसम हो रहा है, और बादल इतने घने घने बादल लग रहे हैं, उनके बीच में से सूरज जैसा लग रहा है कि निकलेगा, पर मुझे लग नहीं रहा आज धूप आएगी। ठंड तो हो ही रही है बहुत ज़्यादा। ये आप देख रहे होगा, ये वाला जो पेड़ है ना, इस वाले पेड़ के पीछे वाला जो पेड़ है वो सीमल का पेड़ है। इतना बड़ा हो गया वो भी, जब पिछली बार मैं आई थी तो नीचे तक ही था, अब इतना बड़ा हो गया, अलग से दिख रहा हो। तो यहाँ पर ठंड हो ही रही है, मुझे लग नहीं रहा था यार इतनी ठंड होती होगी यहाँ करके ना। हमारे साइड में तो होती भी है, यहाँ भी इतनी होती है, मुझे नहीं पता था यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो इधर देखते हैं हम, जो मैंने परसों लाई नहीं बोई थी, आ गया यार सूरज, लग तो रहे थोड़ा आ जाएंगे करके। जैसे हमारे घर में सिलाई लाई थी ना मैं, तो यहाँ पे मैंने बोई थी, तो दिखाती हूँ आपको कैसे हुई है, ठीक है। इतना बोने के बाद इतने सारे दो चार पेड़ दिख रहे हैं इसमें, गिने चुने, पूरा छप रखा था, इतना हो रखा था, अपने आप ही गल गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा। दो चार पेड़ हैं, हो जाएंगे तो ठीक है। एक पालक का पेड़ हुआ है इसमें, देखो पहाड़ी पालक ये वाली होती है जिसकी पिंक जड़ें होती हैं, ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पर हुई नहीं है इसमें ज़्यादा। तो अब चलते हैं उधर साइड, दिखाती हूँ हाँ कहाँ, और वहाँ भी वही थी ना उधर भी, तो उसमें भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, एक बार दिखाती हूँ आपको। चलिए, इसमें देखिए टमाटर का पेड़ कितना बड़ा हो गया, बगैर लाई के पेड़। तो इसमें से मैंने छोटे छोटे वाले निकाल दिए, बड़े बड़े रखे हैं, हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो क्या ही कर सकती हूँ। और ठंड का तो मत ही पूछो, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यार फ्रेंड्स सच में। चलिए फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं, थोड़ी चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़े गपशप मारते हैं आइए। यहाँ पे मैंने खरगोश को रखा है ना, इसको इतना ठंडा लग रहा है ना, क्या बताओ। अभी मैंने छुप छाप के रखा है अच्छे से, इसको ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है इसको। अभी मैंने उसके लिए गद्दी भी बना रखी है, ये ले, बीन खा रहा, पेट ऐसा बना रखा फुद्दू जैसा, खा खा के। बाहर नहीं निकालूंगी तेरे को मैं आज, बिल्कुल नहीं, ठीक है, सोए रहना यहाँ। हेलो हनी बनी, बनी बनी इधर दे बेटा, ये देख खाने में व्यस्त है, ये ले, कुट 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 कर दे बेटा, ऐसे खाता है ना बड़ा मज़े से, ले ये देखो। मेरे को इसको कुट कुट करना बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। सुबह से हो गई है ये तीसरी वाली चाय सच में, मैं इतना, मेरे को आदत ही है ना, घर से भी हम लोग पहले नहीं पीते थे, लेकिन बाद बाद में बहुत आदत पड़ गई थी। अभी भी गर्मी में तक मैं दो बार पीती हूँ,
और ये तो अभी ठंडी क्या, आज तो बहुत ठंडी है। इस वजह से मैंने तीसरी बार, अभी बेटी भी नहीं उठी है, 8 8:30 होने वाला है, अभी वो उठी भी नहीं है। और मैंने जब उठने के लिए बोला, बोले ठंडा, ये कहना सीख गई ठंडा, तो बोली ठंडा, बोला ठंडा, मैंने कहा ठीक है, तो सोचा फिर सो गई वो। मैंने कहा ठीक ही है, मैं चाय पी लेती हूँ तब तक, फिर उठाऊंगी बाद में। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो बाय बाय।